नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन सुशील कुमार मोदी के बिहार छोड़ने और दिल्ली जाने पर नीतीश कुमार का दर्द छलक पड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी ने बिहार को लेकर बहुत सेवा की है, हम लोगों के साथ बहुत दिनों तक काम किया, लोकसभा का सदस्य रह चुके हैं या तो चारों सदनों के सदस्य भी रह चुके हैं, आगे पार्टी के निर्देश पर बिहार और देश की सेवा करेंगे, इनको और काम करने का मौका मिलेगा, यही उम्मीद है। सब हम लोगों का पूरा सहयोग है, हम तो बधाई देने के लिए आए हैं, उन्होंने बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, चारों तीन सदन के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा, ये हम लोगों की खुशी होगी। हम लोग तो एकदम नहीं सुन रहा, लोगों की तो इच्छा थी, सब कुछ जाहिर है, ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है, उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में उनको ले जाना चाहते हैं तो और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहे, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों ने पूरे ये गठबंधन के चारों दल ने पूरे तौर पर ये निर्वाचित होने वाले हैं और सब लोगों को इनके प्रति बधाई। इनको जिम्मेवारी मिलेगी, केंद्र को लगता है बिहार को लाभ मिलेगा, आपको और आपके आदमी जा रहे हैं, मित्र जा रहे हैं, केंद्र सरकार का लाभ तो बिहार को मिल ही रहा है। सर एक विक्ट्री, सर 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 एक विक्ट्री, सर मोदी जी, मोदी जी एक विक्ट्री। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और इस बार उन्हें बिहार में कोई भी मंत्री पद नहीं मिला और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है और इनके सामने आरजेडी के जो श्याम रजक है उन्होंने इन्हें चुनौती दी है। देखना यह होगा कि राज्यसभा उपचुनाव में किसकी जीत होती है, एनडी या फिर महागठबंधन। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।